सब कुछ पहले से ही तय था। अमित शाह तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे, मौका मिलते ही विपक्ष पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। इधर हैदराबाद में थी सोनिया गांधी, दिल्ली में हो रहा था मोदी का हैप्पी बर्थडे, पटना से अमित शाह ने भेज दिया सबसे बड़ा गिफ्ट। बीजेपी को मिल गया तेज प्रताप यादव का साथ, बन गई सबसे बड़ी बात, कांग्रेसी सीएम ने सोनिया गांधी को कर दिया अलर्ट। इधर दिल्ली में कट रहा था पीएम मोदी के जन्मदिन का केक, और उधर पहले से ही पटना पहुंचकर मोटा भाई ने गिफ्ट भेज दिया। शाह ने जैसे ही ऐलान किया कि अब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, हैदराबाद में हो रही मीटिंग में खलबली मच गई। मोदी के जन्मदिन का केक काट रहे मंत्री और विधायक भी कुर्ता फाड़कर नाचने लगे। नीतीश कुमार भाग कर दिल्ली दरबार आए, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बनी। उधर पटना से पहली बार तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दिया, जिसे सुनकर योगी और मोदी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह ने बिहार में नीतीश की जगह पर किसे मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, और सोनिया गांधी के पास क्या संदेश भेजा गया है। पिछले एक साल के अंदर करीब दर्जन भर से ज्यादा बार शाह बिहार जा चुके हैं। कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार को भी बात समझ आ गई थी कि शाह के टारगेट में वो आ गए। यही वजह थी कि नीतीश कुमार अब नहीं कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। 10 सितंबर को जब नीतीश कुमार पूरे विपक्ष से छुपकर दिल्ली पहुंचे थे और मोदी से मुलाकात की थी, उसी दौरान पता चल गया था कि नीतीश कुमार फिर करवट लेने वाले हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे होता है, उससे एक दिन पहले शाह बिहार के दौरे पर गए। बिहार के मधुबनी जिले में एक बहुत बड़ी रैली की, और उसी रैली में ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरा विपक्ष कांपने लगा। अमित शाह ने कहा है कि मैं बिहार की जनता से कहने आया हूं कि बिहार में जल्द ही चुनाव होगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अमित शाह के ऐलान के साथ ही विपक्ष की सांसें उखड़ रही है। पीएम मोदी को 2024 में हराने से पहले बिहार की सरकार को विपक्ष बचाने में जुट गया है। बिहार में बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी इसे समझे। एक देश एक चुनाव कानून अगर लागू होता है तो बिहार में चुनाव होंगे और बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। दूसरा तरीका यह है कि नीतीश कुमार सरकार का तख्ता पलट किया जाएगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ डील हो गई है और बीजेपी में फिर से नीतीश कुमार शामिल होंगे। अब चलिए आपको हम वो सबूत देते हैं जिसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार विपक्ष के इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है। इसके बाद भी गठबंधन के नियम को तोड़कर एक हफ्ते पहले दिल्ली पहुंचे थे और पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद सनातन धर्म विवाद पर भी नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि हम सनातन का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन ने जिन 14 बड़े एंकरों का बायकॉट किया है, उन एंकरों के पक्ष में नीतीश कुमार खुद खड़े हो गए हैं और इंडिया गठबंधन को झटका दिया है। अंदर खाने से तो खबर ये भी चल रही है कि अमित शाह बिहार में इस बार सम्राट चौधरी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि उन्हें बिहार का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है और उनकी छवि भी अच्छी है। इस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी हैदराबाद में, राहुल और प्रियंका गांधी भी उनके साथ है। कांग्रेस की इसी मीटिंग में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी के सामने सनातन का विवाद भी उठाया। भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस को सतर्क किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सनातन के मुद्दे को लेकर बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, इस वजह से सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। लेकिन इसी बीच जब बिहार में तेज प्रताप यादव से सनातन पर पूछा गया तो उन्होंने उन लोगों का सपोर्ट किया है जो सनातन के पक्ष में है। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप यादव परेशान नजर आए। शायद अमित शाह का ये असर है, क्योंकि शाह ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सबसे खास बात यह है कि शाह ने ये ऐलान पीएम मोदी के बर्थडे के मौके पर किया है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनाकर शाह मोदी को बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है और किसे नया मुख्यमंत्री बिहार का बनाना चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।